अशरफ से तो तू बच जाएगा, फिर मुझसे कैसे बचेगा? एक मिनट थहीं खलो जन्नत बीबी, एक कातिल दी माँ मकतूल को क्या इंसाफ देसी? तेरा काई फैसला मैं को कबूल काई ना, ते कोई इंसाफ दी कुर्सी उन छड़ नहीं पौसी। अपनी बहन का पुत्र भी ना सही, अपनी धी के सर का सही समझ के माफ कर। माफी नहीं मिले, ना मेरी बहन के पुत्र को और ना मेरी धी के सिर के साई को। आसिया, तू तो इन्हें क्यों छत पर लाई है? उड़ाने के लिए, जन्नत बीबी के नाम पे। यू पर आसमान में जाके ना अल्लाह सही से दुआ करेंगे तो जिनके नाम पे इन्हें आजाद किया गया है कि सारी दुख बीमारी परेशानियां सब दूर हो जाए। और देखना, जन्नत बीबी की हालत बेहतर हो जाएगी। तो ये सब बीबी के लिए कर रही हो? क्यों नहीं कर सकते? बीबी ने क्या कुछ नहीं किया तेरे साथ आसिया? फिर भी आज नाज़ जन्नत बीबी ना अखरोट की तरह है, ऊपर से बहुत सख्त है, अंदर से उतनी नरम। अब तो मेरे साथ वो प्यार से बात करती है। आप मेरी बहन हो, वो मेरी अम्मा है। अब जो कुछ है सब यही है मेरा। बताया उसने बहादुर वो नहीं होता जो हर एक से लड़े, बहादुर वो होता है जो अपने दिल से लड़े, उससे भी प्यार करे जिसने उसे सबसे ज्यादा तकलीफें दी। और तू बहुत बहादुर लड़की है आसिया, बहुत ही बहादुर लड़की। बाजी नाजू, आपको पता है वो जब इस हवेली में आई थी बहुत डरपोक थी, छोटे से कीड़े से डर गई थी, चीख मार के अपनी डोली से निकल गई। बहादुर बनाया है मुझे आपकी बातों ने, बीबी साईं की मोहब्बत ने, उन किताबों ने जो आपने मुझे पढ़ना सिखाई। लफ्जों में बहुत ताकत होती है, हंसते हंसते रुला देते हैं, रुलाते रुलाते हंसा देते हैं। और दुआओं में भी बड़ी ताकत होती है। आप देखिएगा नाजुबाजी, जन्नत बीबी ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। आपको पता है आज बिलावल और मुजम्मिल ने आपके नाम के पैसे बांटे हैं पूरे पिंड में। सकीना, वो बीबी आप ये दूध पिए ना, असली घी डाला है बीच में। मैंने कुछ पूछा है तेरे से, अशरफ का फोन आया है कि नहीं? आया था,
आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। कह रहे थे कि पंचायत में जो कुछ भी हुआ उसकी आकर आपसे माफी मांगेंगे। और क्या क्या? और कह रहे थे आपसे मिलने को भी आएंगे। तूने भी जो झूठ बोलना है बोल दे। जाना आया कि नहीं? नहीं बीबी। आएगा तो उससे कहना मेरे सामने ना आए, अपनी शक्ल ना दिखाए मुझे। अशरफ ने पंचायत में वजाहत का फैसला नहीं करने दिया तो क्या हो गया? यहीं घर में पंचायत लगा के सेबी के कत्ल का फैसला करूंगी। बसाई नहीं मने। मामे को मनान, मैं जानता हूं उसने बीबी को हटा के पंचायत की कुर्सी क्यों संभाली है। मेरे खिलाफ खुद फैसला सुनाना चाहता है वो। तो आप बोल देना पंचायत में कि मुझे पंचायत का फैसला कबूल नहीं। हाँ एक गल ठीक है। हाँ लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं साईं? जुलेखा तू अपने अब्बे को मना ना फिर। उसे क्या पंचायत ही ना लगाए ना, हम लोग आपस में रिश्तेदार हैं, मिलजुल के फैसला कर लेंगे। हाँ आप भी तो ऐसे ही करते थे साईं, याद नहीं? छोटी छोटी बातों पे पुप्पी पंचायत लगाती थी। बशर का फैसला याद है? उसमें भी तो मदई खुद मुनसिफ थी। और ये बात आप और बीबी अच्छी तरह से जानते थे। वो बशर बेकसूर था, रंग ने गोली चलाई थी, खुद ही अपनी गोली से मारा गया। वो बशर की दफा इंसाफ किया होता तो आज आप भी इंसाफ की उम्मीद रखते। मामे को जो चाहिए जदा मामे को जो चाहिए जदा पैसा मैं सब कुछ दे दूंगा। मामे को कह मेरे खिलाफ फैसला न करे, तुझे मैं हवेली वापस ले आऊंगा। उम्मीद छोड़ दी साईं मैंने। आप भी ये उम्मीद छोड़ देंगे, हम बस साईं आपको माफ कर देंगे। चाहे तो लगेगी, सजा भी मिलेगी। नहीं जुलेखा, एक माफ कर दे साईं, कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। जुलेखा जुलेखा गल तो सुन जुलेखा, ओ मामे को कह मेरे को माफ कर दे, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। या अल्लाह जुलेखा, ओ मामे को कह मेरे को माफ करे। मैं नहीं मरना चाहता।
मेरे को माफ करो, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। पंचायत फैसला करती है कि जहां जेब जुलेखा को तलाक देगा और उसके निकाह में जो दूसरी सवानी है उससे पैदा होने वाली पहली बेटी वजाहत के खानदान में वनी करेगा। मेरी तरफ देखेगी भी नहीं? तू मेरे पुत्र का कातिल है, देखूंगी तो याद आ जाएगा कि तू भी मेरा पुत्र है। पंचायत में जा रहा हूं, दुआ करेगी मेरे लिए? क्या दुआ करेगी? तू रिहा हो जाए, जानता हूं सख्त सख्त से सख्त सजा खुद सुनाना चाहती है ना? अल्लाह खैर करेगा। मैं बीबी, मैं जुल्ला, ठहर, मैं भी जुल्सा, देखती हूँ अशरफ का फैसला सख्त है या वो जो मैंने तेरे लिए सोचा है। सारे भिरा आ गए, पंचायत शुरू करें। साधक, हाथ रख
और बोल, पंचायत का फैसला तुझे कबूल होगा। बीबी बोल जाने, बोल, पंचायत का फैसला कबूल है। पंचायत जो फैसला करेगी मुझे कबूल है। पंचायत फैसला करती है कि जहां जेब जुलेखा को तलाक देगा और उसके निकाह में जो दूसरी सवाणी है उससे पैदा होने वाली पहली बेटी वजाहत के खानदान में वनी करेगा, और अगर बेटी पैदा नहीं होती तो वजाहत के खानदान को हक हासिल होगा कि वो जहां जेब को कत्ल कर दे। फैसला हो गया। पंचायत फैसला करती है कि जहां जेब जुलेखा को तलाक देगा लग रही हूं मैं जुबैदा? तुझे पता है सकीना को बड़े मेने देती थी मैं, मुंह मत्थे नहीं लगती, सज संवर के नहीं रहती, इसीलिए रंग साई उसे मुंह नहीं लगाता। मुझे देख के तुझे सकीना की याद नहीं आती? कैसे आएगी? मुझसे तो चंगी दिखती थी। दो पुत्र हैं उसके, उनकी खुशियां देखेगी। मेरे पास क्या बचा? ये क्या है तेरे हाथ में? कुछ नहीं। मेरे को पता है तू क्या छुपा रही। छली हो गई है तू। कागजों से तलाकें नहीं होती,
तभी हो जाते हैं तो कोई फैसला कर लेता है। ला दे। देखो पता है जहां साईं को बड़ा शौक था मुझे तोहफे देने का, सोने की चूड़ियां, बुंदे, हार, तो सोचा था तलाक भी सोने की इट पर लिख के देगा, अरे हासिया। हाँ खाला बोल। तुझे पता है पंचायत में क्या फैसला हुआ था? इसीलिए तो उदास बैठी हूँ, बड़ा जुल्म हुआ है। बाजी जुलेखा जैसी भी थी तलाक नहीं होनी चाहिए थी उसे। बस तुझे इतना ही पता है? बाजी स्कीना ने तो इतना ही बताया था। लग रहा था कि कुछ छुपा रही हो, कोई और भी बात है। क्यों रही है खाला? हाँ बाजी सुलेखा के साथ जो हुआ सो हुआ, पर तेरे साथ होने वाला है। हाय रब्बा, क्या होने वाला है? कहीं मैं फिर से वनी तो नहीं होने वाली? ना मेरा बच्चा ना, इस बार तू नहीं, तेरी बेटी वनी होगी, तेरी बेटी वनी होगी। ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है तू? कौन सी बेटी? वही जो इस दुनिया में नहीं आई, वही बेटी तेरी और जहां साईं की बेटी, उसे बड़ी करेंगे ये लोग। ये क्या कह रही है? ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आसिया, 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 बीबी, 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 खाला शिदो क्या कहती है? वो कहती है पंचायत लगी है, फैसला हुआ है कि मेरी तरह मेरी बेटी भी वनी हो जाएगी। ये झूठ है बीबी, ये झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसा नहीं होने दूंगी बीबी। मेरी बेटी तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात, किसी ने मेरी तरफ भी हाथ तो उठाया ना, उसका हाथ तोड़ दूंगी मैं। जोर जबरदस्ती की ना तो मैं जहर खा लूंगी बीबी। बीबी मेरी मदद करे बीबी। भरजाई ने तो तेरा साला मुन्नी को जहर दे के मार दिया था, मैं अपनी बेटी को इस दुनिया में आने से पहले खुद को मार लूंगी। कुछ करे, इसको रोक दे, कुछ करे बीबी, मेरी मदद करे बीबी, मेरी मदद करे, इस पंचायत के फैसले को रोक ले बीबी, इस पंचायत के फैसले को रोक ले, मेरी मदद करे।
वकार साईं, बीबी ने आपको याद किया है। बेटी तो बस इसलिए पैदा होती है ना कि अपने बाप, अपने भरा, अपने अपने मर्द के लिए कुर्बान हो जाए। सब गलत है, आप नहीं हो गए। बेटी बचेगी, हमें बेटा कुर्बान। सलाम बीबी। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। ये कागज पेंसिल है, पकड़ो। लिखो। क्या लिखूं? रिपोर्ट लिखो। मकतूल का नाम शाहजे, मुदई, जन्नत बीबी। कातिल का नाम जहांसे, लिखो जल्दी लिखो, इससे पहले के मकतूल की मां कातिल की मां की बात मान ले। लिखो। मामा जी, मैं हूं एसएचओ वकार। तू क्यों आया यहां पर? आपको गिरफ्तार करने। बीबी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एक बात बता, मामा अशरफ की सजा सख्त होगी या कानून की? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है साईं। बहुत कत्ल किए हैं आपने, बेगुनाह लोगों को मारा, सजा तो आपको मिलके रही। दो मिनट दे बस मुझे, मैं बीबी से मिल लूं। हाँ माँ है ना, वो मेरी माफी मांगनी है। मुझे यकीन है माफ कर देगी वो मुझे। बस दो मिनट। हाँ मेहरबानी। बीबी, 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 वो मुझे गिरफ्तार करने आया है, मुझे बचा ले, पर्चा वापस ले ले बीबी, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। तो सब कुछ करता मेरे पुत्र को ना मारता। ताकत के नशे में अंधा कर दिया था मैं, आसिया को हासिल करने की लालच में पागल हो गया था मैं बीबी। जेबी को इसलिए मारा कि जिंदा रहता तो आसिया उसकी आ जाती, मुझे बचा ले बीबी, मुझे फांसी हो जाएगी, मेरी तो कोई औलाद भी नहीं है।
मेरा तो नाल लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा बीबी, मुझे बचा ले, मुझे पास ही से बचा ले बीबी। फांसी से डर रहा है तू? तेरी बेटी बनी होगी उसकी फिक्र नहीं है, वो जो अभी तक दुनिया में नहीं आई। और इस बेगानी लड़की का क्या कसूर है जो बनी होकर इस घर में आई और अब उसकी बेटी बनी होगी? तो पहले भी तो बेटियां बनी होती रही हैं, एक और हो जाएगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी बीबी? मेरी जान तो बचेगी ना? क्यों? तेरी जान ज्यादा कीमती है क्योंकि तू मर्द है। औरत की जान की कोई कीमत नहीं। बेटी तो बस इसलिए पैदा होती है ना कि अपने बाप, अपने भरा, अपने अपने मर्द के लिए कुर्बान हो जाए। सब गलत है, गलत है ये सब। अब नहीं होगा, बेटी बचेगी, हमें बेटा कुर्बान हुए। ये पिस्तौल आपने मेरे हाथ में रखी थी, इसी से गोली मारते मुझे, मुझे फांसी नहीं चाहिए। ये पिस्तौल मैंने तुझे इसलिए तो नहीं दिया था कि तू मेरे पुत्र को ही मार दे। समझाया था तुझे कि गोली से नहीं, अकल से डरा, पर तू नहीं समझा। तेरी अकल तो गोली से भी छोटी निकली। उस लड़की को देख, तुझसे बहादुर तो वो लड़की है क्योंकि वो हक पे है, सच्ची है। और तू गुनाहगार है, मुजरिम है। इस गल को खत्म कर मेरी कहानी, मुझे फांसी नहीं चढ़ना, ठोक मेरे मत्थे में गोली ठोक। मैं जहर खा लूंगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आसिया तू परेशान ना हो, बीबी ने पर्चा कटवा दिया है, पुलिस लेने आई है जहां साईं को। शीदो, पता चला गोली कहां चली थी? बीबी ने जहां साईं को मार दिया। चंगा नहीं किया तूने मेरे साथ, मैंने तो बस एक गलती की थी, तुझे वर्णी किया था। हर तूने मेरे तीनों बेटे खत्म कर दिए, पर फिर भी
फखर है मुझे तेरे औरत होने पर। अपनी सतपरांच ने आने दी, साबित कर दिया कि औरत साथ अगर चाहे तो मर्द को हरा सकती है। काश मैं भी ऐसी बहादुर होती, सब कुछ ना होता मेरे साथ, इतनी सख्त ना बनती, उठे सीधे फैसले ना करती। शीदो, जी दीदी, आसिया का कोई दुपट्टा निकाल, इज्जत वाला फैसला है, इज्जत वाले दुपट्टे से करूंगी। पंचायत फैसला करती है कि मुबशर का कोई कसूर नहीं था, हरासिया आज से बनी नहीं है, बाइज्जत है, जैसे चाहे जहां चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकती है। हो सके तो मुझे माफ कर देना आसिया। इतने दिन तेरे पास नहीं आई, तेरा कातिल ढूंढ रही थी, अब मिल गए और मुझे तेरा कातिल, तेरा अपना भरा क्या देख, उसके लिए फैसला कर दिया। अब अपना फैसला करूंगी, आऊंगी तेरे पास, का
से।